तेरे बाप ने फिर से पैसे डुबो दिए। पता नहीं कैसे मैंने इस आदमी के साथ अपनी जिंदगी काट ली। इतनी मेहनत है, इतना पढ़ के क्या करेगा? माँ सारी जिंदगी झोंक दी तेरे लिए। मेरी ना हर रोटी गोल बनती है, हर फूली हुई होती है। अच्छा, नाइस। मैं भी ट्राई करूँगी, मैं पनीर अच्छा बना लेती हूँ। रेस्टोरेंट जैसा एकदम? हाँ, टच फूड। मेरी मम्मा तारीफ करती हैं, शी विल नेवर लाइ टू मी। वैसे आई मेड पनीर भुर्जी यस्टरडे। अच्छा, तुम खाना भी बना लेते हो? वो भी अपनी मम्मी से। अच्छा, इतना बनते क्यों तुम? इतने भी स्मार्ट नहीं हो। अरे, ऐसे बन बन के ही तो मैंने लिस्ट बनाई है। लिस्ट ऑफ गर्लफ्रेंड्स?
अब तुम 25-26 साल के हो गए हो, तुम्हें सोचना चाहिए माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, फैमिली बना लूं, शादी कर लूं। काश किसी दिन उसका फोन आए। मुझसे पूछे डोंट यू मिस माई वॉइस, I am a computer science engineer at an MNC. आप क्या करते हो? अरे वाओ, मैं भी। My husband ने पोस्ट किया ऐसे। Next month मैं भी चली जाऊंगी। क्या बढ़िया जॉब स्विच किया है। सीधा विदेश? This is हाँ, उनको 2 महीने हो गए। मेरा मन नहीं लगता, तभी इधर आ गई। मैं भी बस टाइम पास के लिए ही। What are your fantasies? अपनी शर्ट उतार दो। रफ। मैं तो बाथरूम में भी अंडरवेयर पहन के ही नहाता हूँ। Me too। अपनी शर्ट उतारो ना। हेलो। हेलो भाई, फ्री हो? हाँ भाई, बताओ कैसे गए आईटी के मिड सेम्स? अरे भाई बस क्या बताऊँ, कभी कभी लगता है कि क्यों ही कर रहा हूँ, चल तो रही थी लाइफ अच्छी खासी। अबे भाई यार, टफ तो है ही, अभी पहला ही था, कर लोगे धीरे धीरे। मैं और मेरी फ्रेंड है जो, हमने सोचा था कि इस साल के एंड तक स्विच कर लेंगे, आराम से 20 लाख का पैकेज लग ही जाए। भाई कंपनी तुम्हें फ्री में आईटी से वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करवा रही है, अबे हो जाएगा, अब इतने दिनों बाद पढ़ाई शुरू कर रहे हो, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अरे भाई यहाँ लोगों में इतना दिमाग है, हमारा सारा दिमाग तो बह गया। बस बह गया भाई, 11th क्लास में बापू ने कहा था
वीर्य की एक बूंद 40 बूंद खून से बनती, इसको ज्यादा मत करना, पर हम बस जीवन भर बहने में ही लगे। अच्छा, तभी ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी निकल गई हो। हाँ भाई, मोहम्मद अली का नाम तो सुना होगा, उसने अपने इंटरव्यू में बोला है कि अपोनेंट्स वर टेरिफाइड ऑफ सीइंग हिम, ही हैज द ऑरा द एनर्जी, और हमें देखो। अरे भाई सब सही है यार, डू व्हाटएवर कम्स। भाई बस बहु जिंदगी के साथ। देखो नहीं लग रहा ना, मैंने पी है। लग तो नहीं रहा। मम्मी, ये बच्चे कहाँ से आते हैं दुनिया में? भगवान देते हैं। तू सिंगल चाइल्ड है ना, तेरे तो मजे होते होंगे। एक बार बस टेंथ कर ले, फिर यू कैन गेट एनीथिंग। अच्छा एक बार कॉलेज कर लो अच्छे से, बस फिर ले लेना गिटार। अच्छा ओके। बात करूं इससे? कैसे बात करूं?
कोई फायदा नहीं है। फायदे से मतलब? आप 29 साल की हो, लगता तो नहीं है। पता है मेरी शादी नहीं हो पा रही है। मतलब? मैट्रिमोनियल साइट्स पर रिश्ते आते रहते हैं पर बात नहीं बनती। पता है मेरा अफेयर था जब 23 की थी पर वो मुंबई चला गया। हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो माँ बने। मेरी तो छोटी बहन तक अकेला मैरिज हो गई। आप भी कर लेते? ट्राई तो कर रही हूँ। Thank you.
मैं घर जाकर राघव को बताऊंगी। मुझे पता है कि वो क्या कहेगा। अरे मेरी जान, जैसे वो खुद भगवान है। फिर मैं रोऊंगी और कहूंगी, क्या तुम्हें सच में मेरे ऊपर तरस आता है? वो कहेगा, बहुत ही ज्यादा। मैं और रोऊंगी और पूछूंगी, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? वो कहेगा, तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है माफ करने के लिए। असल में उसकी जबान का भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो पत्थर दिल है। वो एकदम से बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। मैं उस पर चिल्लाऊंगी कि ये बड़प्पन का ड्रामा बंद करो। कहेगा, मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ, मैं सब समझ पी रहा हूँ। मैं कहूंगी, हालत की वजह तुम ही हो। फिर वो एकदम से बहुत सैड हो जाएगा, कहेगा, हाँ, सब मेरी ही गलती है। असल में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक खोखला इंसान है। काश थोड़े वर्ड्स और कर लेते हैं।